हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष एंड अगेन वेलकम बैक एट एडू मनी। सो आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सॉकेट एड्रेस स्ट्रक्चर की। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे सॉकेट एड्रेस स्ट्रक्चर होती क्या है, इनका क्या यूज होता है एंड ये कितने टाइप की होती है। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। सॉकेट प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत सारी स्ट्रक्चर्स यूज में ली जाती है जिनका काम इन्फॉर्मेशन होल्ड करना होता है। अब यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन एक एड्रेस भी हो सकती है, पोर्ट भी हो सकती है एंड अदर कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है। सो सॉकेट प्रोग्रामिंग के अंदर ये स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सॉकेट एड्रेस स्ट्रक्चर्स। तो इनके जो टाइप होते हैं या फिर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स यूज में ली जाती है, सो सबसे पहली आती है सॉकेट एड्रेस। इसको हम शॉर्ट में या फिर इसका जो सिंटेक्सुअल टेक्स्ट होता है वो बोलते हैं हम सोक AWDR। सो एक फर्स्ट एड्रेस स्ट्रक्चर है जो कि इंफॉर्मेशन होल्ड करती है। ये एक जेनरिक सॉकेट एड्रेस स्ट्रक्चर है जिसे कि पास किया जाता है सॉकेट फंक्शन कॉल के अंदर। अब इसके हम इसके क्रिएट कैसे कर सकते हैं, तो इसको क्रिएट करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाते हैं स्ट्रक्ट सोक AWDR के नाम से। अब यहाँ पर हम दो वेरिएबल बनाते हैं, अनसाइंड सोर्ट सोक एड्रेस अंडरस्कोर फैमिली के नाम से एंड एक कैरेक्टर टाइप का बनाते हैं कैर एरे सोक एड्रेस अंडरस्कोर डेटा। ये डेटा होल्ड करने में काम में लिया जाता है। तो यहाँ पर जो ये ऐसे अंडरस्कोर फैमिली है तो ये एड्रेस होल्ड करने में काम में लिया जाता है फैमिली का वेरिएबल के अंदर। एंड जो सोक एड्रेस अंडरस्कोर डेटा है ये डेटा कैरी करता है या इंफॉर्मेशन कैरी करता है। सो ये आपको इसी तरह से याद रखना है, ये आपको एग्जाम में अगर आ भी जाता है तो सेम फॉर्मेट में ही लिखना है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। बिकॉज सॉकेट एड्रेस के अंदर दो ही चीज़ें होल्ड की जाती है जिसके अंदर कि सॉकेट एड्रेस के फैमिली का नाम होता है एंड उसका डेटा होता है, दो ही इन्फॉर्मेशन होती है जिसे कि हम सॉकेट फंक्शन कॉल के अंदर एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर दिया जाता है। सो ये थी पहली एड्रेस स्ट्रक्चर। उसके बाद जो सेकेंड आती है वो आती है सॉकेट एड्रेस इन। सो ये एक सेकेंड स्ट्रक्चर हो जाती है जो कि हेल्प करती है रेफरेंस टू द सॉकेट्स सॉकेट एलिमेंट्स, जो कि सॉकेट एलिमेंट को रेफर करने में हेल्प करती है। सो इसके अंदर ये सॉकेट की इन सॉकेट इन फैमिली का इंफॉर्मेशन होती है, सॉकेट इन पोर्ट की इंफॉर्मेशन होती है एंड एड्रेस होता है एंड सिन जीरो होता है। तो यहाँ पर जो सिन अंडरस्कोर फैमिली है वो एड्रेस फैमिली होता है एंड जो सिन पोर्ट है वो पोर्ट नंबर होल्ड करने के लिए यूज में लिया जाता है, सिन एड्रेस होता है वो इंटरनेट एड्रेस होल्ड करने में काम में लिया जाता है एंड जो सिन जीरो होता है तो बेसिकली सिन जीरो क्या है कि एक अनयूज्ड मेंबर है जिसका कि सोल पर्पस है वो पैड द स्ट्रक्चर आउट टू 16 बाइट होता है, ठीक है जी। उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो इन डॉट एड्रेस AWDR हो जाती है। तो ये स्ट्रक्चर यूज्ड ओनली इन द अबो स्ट्रक्चर एज ए स्ट्रक्चर फील्ड एंड होल्ड्स 32 बिट नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी। सो बेसिकली इन डॉट AWDR होती है, ये सोक AWDR डॉट इन के अंदर यूज में ली जाती है अगर इंफॉर्मेशन फील्ड 32 बिट का है, यानी कि नेटवर्क आईडी या होस्ट आईडी 32 बिट की है तो उसे होल्ड करने में यूज में लिया जाता है। तो इसे क्रिएट करते टाइम हमें स्ट्रक्ट इन अंडरस्कोर AWDR से एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसके अंदर की अनसाइंड लॉन्ग एस अंडरस्कोर AWDR के नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे जो कि इंफॉर्मेशन होल्ड करने में या कि या फिर एड्रेस की इंफॉर्मेशन होल्ड करने में काम में लिया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है होस्ट एंड के नाम से। तो बेसिकली ये होस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है। इसके अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनाएंगे स्ट्रक्ट होस्ट एंड के नाम से जिसके अंदर की एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाएंगे, होस्ट नेम के टाइप के पॉइंटर टाइप का कैरेक्टर होगा ये एंड उसके अलावा एक होस्ट अंडरस्कोर एड्रेस टाइप बनाएंगे, ये एक इंटीजर वेरिएबल होगा एंड उसके बाद होस्ट लेंथ होगी एंड होस्ट अलाइज होंगे। तो यहाँ पर होस्ट नेम हो जाता है, होस्ट का एड्रेस टाइप किस तरह का वो होल्ड करने में काम में लिया जाता है, होस्ट की लेंथ क्या है ये हो जाता है एंड होस्ट के अलाइज क्या है, इसका फैमिली प्रीवियस फैमिली कौन कौन से हैं, तो ये सारी डिटेल्स आ जाती है होस्ट की और इसके लिए हम होस्ट एंड स्ट्रक्चर यूज में ली जाती है। उसके बाद होती है सर्वेंट। तो बेसिकली सर्वेंट is used to keep the information related to the service and associated ports. तो ये basically जो related service हैं और उसके associated ports हैं उसकी information hold करता है। इसके अंदर अगर हम create करना चाहते हैं तो हमें structure create करनी पड़ेगी struct servant के नाम से and उसके अंदर हमें अगर हम servant के नाम hold करना चाह रहे तो एक character type का pointer variable बनाएंगे
सर्वेंट अंडरस्कोर नेम यानी कि एस अंडरस्कोर नेम के नाम से उसके अलाइज बनाने हैं, तो दो रेफरेंस वेरिएबल लेंगे हम जो कि उसके अलाइज की इन्फॉर्मेशन होल्ड करेगा, एंड इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाएंगे सर्वेंट अंडरस्कोर पोर्ट यानी कि एस पोर्ट के नाम से जो कि उसकी पोर्ट एड्रेस सर्वेंट की पोर्ट इन्फॉर्मेशन को होल्ड करेगा। उसके बाद इसके अंदर हम अगर हम प्रोटोकॉल टाइप की इन्फॉर्मेशन होल्ड करना चाहते हैं तो एक कैरेक्टर वेरिएबल बनाएंगे रेफरेंस टाइप का एस अंडरस्कोर प्रोटो। सो ये हो जाती है एड्रेस स्ट्रक्चर्स जो कि सॉकेट प्रोग्रामिंग के अंदर यूज में ली जाती है। तो आई होप गाइज आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही होगी। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड विद एडुवानी।